दोनों का फोन नहीं लग रहा है, गेले कुटे है। ए अब्दुल, ए अब्दुल, हाँ बेटा भाई, तुमने सुनू और माधु को सोसाइटी के बाहर जाते हुए देखा? नहीं। कमाल है, उससे बेल बजा रहे, दरवाजा नहीं खोल रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। भिड़े भाई, शायद सोसाइटी में ही किसी के घर में होंगे। हाँ हो सकता है, ठीक है। अच्छा चलो। हाँ हाँ चलो चलो। इसके घर पे टप्पू को पता होगा सोनू कहाँ है। अरे टप्पू, ओ टप्पू, टप्पू, क्या वो भिड़े अंकल, मैंने क्या किया है? कुछ नहीं। तो बुलाया क्यों? मैंने ये पूछने के लिए बुलाया। एक मिनट भिड़े अंकल, पहले ये बताइए कि सोनू का है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है और आज हमारी गरबा की प्रैक्टिस है। अरे यही पूछने के लिए तुमको बाहर बुलाया मैंने, दोनों का फोन नहीं लग रहा है, पता नहीं बिना बताए कहाँ चली गई। आपका तो ठीक है, लेकिन मुझे भी नहीं बताया। बिड़ेंगल, जब सोनू वापस आ जाए ना, तो याद से उसे बता देना कि आज हमारी गरबा की प्रैक्टिस है। बिड़ेंगल, हाँ 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 ठीक है, याद दिला देना। अरे हाँ रे बाबा। हाँ ठीक है, बाय। हमारे दोनों गई का अंजलि भाभी को पता होगा। ये देखो, अरे माधवी। आहो, कहाँ पर हो आप? वाह मालात विचार, अरे मैं तुम दोनों को कब से सोसाइटी में ढूंढ रहा हूँ, कहाँ हो तुम दोनों? मैंने मैसेज किया था आपको, आपने देखा ही नहीं मैसेज। पर मैसेज क्यों करने, डायरेक्ट फोन कर दी ना। और यार नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ये फोन भी मुश्किल से लगा है। ओ अच्छा, तभी तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। अभी कहाँ हो तुम दोनों? ओ मैं और सोनू यहाँ मोटा अम्बाजी मंदिर आए है, आपको बोला तो था आप भूल गए, और दर्शन बंद होने का समय हो रहा था ना, इसलिए मैं और सोनू आ गए। अभी आप भी जल्दी से आ जाओ यहाँ। बस अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। हाँ, कहाँ गए दोनों? आहो, अरे सोनू कुड़े, वो फूल और चुनरी लाने गई है माता जी के लिए। लो आगे। चलो अभी दर्शन कर लेते हैं। आई बगना, अंबे माता का रूप कितना प्यारा लग रहा है। हाँ ऐसे लग रहा है साक्षात माता सामने बैठी है। नहीं हे माँ अम्बे, मेरी बेटी सोनू की हर मनोकामनाएं पूरी करना और इस पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हे माँ, मेरे परिवार और पूरे संसार पर आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखना, और जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। हे माँ, मेरे आई बाबा को हमेशा खुश रखना और हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के लोगों में सदा प्यार बनाए रखना। बोलो श्री अम्बे मात की जय।
जय भवानी जय अम्बे 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 जय भवानी जय अम्बे। सोनू बड़ा अभी तो और भी मजा आने वाला है, तुम्हारे लिए घर पे मस्त तरीके सरप्राइज है। काय बाबा? तो सरप्राइज है ना, तो घर पे ही पता चलेगा। चला 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 बाबा, मेरा स्पेशल गिफ्ट दिखाओ। दिखाता हूँ लेकिन यही रुकना। मज्जा है बाबा, एक अमूली जी। हाँ तो सोनू, ये रहा तुम्हारा सरप्राइज इस नवरात्रि में, तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट। स्पेशल स्पेशल तो हो गई, मेरे बाबा ने जो मुझे दिया है। आइक लगा। वाओ, कितनी सुंदर है। वाओ बाबा, ये ड्रेस बहुत सुंदर है। अच्छा है ड्रेस, लेकिन नाप का है क्या? ऑफ कोर्स माधवी, नाप का होगा तो ही तो खरीद के लाऊंगा ना, और तुम तो जानती हो मुझे। नहीं नहीं, वो तो बराबर है, वो मुझे पता है, लेकिन फिर भी माप का होना चाहिए ना। थैंक यू पापा, ये सुंदर ड्रेस के लिए। मोस्ट वेलकम बेटा, अभी जाओ फटाफट पहन के दिखाओ मुझे। हाँ हाँ, मैं देखना चाहता हूँ मेरी सोनू इसमें कैसी दिखती है। हाँ हाँ, पहन कर देख रहा ताकि पता चले नाप का है कि नहीं। ए देवा। हाँ चलो मैं पहन के आती हूँ। तुम देखना माधवी, मेरी सोनू इस ड्रेस में बिल्कुल परी लगेगी। परी? हाँ, परी तो तब दिखेगी जब नाप का होगा ड्रेस। तुम्हें नाप की पड़ी है, बेटी के बाप की नहीं। तसली हो? तो क्या जरा फीलिंग समझना। ओ, नाप 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 करती है। आई बाबा, मैं बाहर आ रही हूँ। हाँ ये ना बाड़ा, पहले आप आंखें बंद करो। ओ, ओके। ओके आई बाबा, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हो। क्या बात है कि नहीं नाप का? हाँ, चॉइस अच्छा है बाप का। शुक्रिया आपका। वाह वाह, क्या बात है, मैंने बोला था ना, बिल्कुल परी लग रही हो तुम। होगा होकर मेरी इस परी को किसी की नजर ना लगे। वाह सोनू, तू इस ड्रेस में कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, एकदम परी जैसी। सच? हाँ। अरे टप्पू, अभी इन्होंने भी यही कहा, सोनू एकदम परी लग रही है। हाँ? वाह बीड़े अंकल, हम दोनों के ख्याल कितने मिलते जुलते हैं। पता है टप्पू, ये ड्रेस बाबा ने मुझे नवरात्रि के गिफ्ट में दिया है। बीड़े अंकल, फिर से हमारे ख्याल मिल गए। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं भी सोनू के लिए नवरात्रि स्पेशल गिफ्ट लेकर आया हूँ। क्या टप्पू? एक मिनट। नवरात्रि के गरबा में पहनने के लिए स्पेशल कैप, ये देख। ओ, टोपी पहनाने आए। हाँ? गिफ्ट में टोपी लाया है। हाँ। आई कशी दिखते हैं मैं? बस एकदम क्यूट। बाबा बगा। अभी टोपी अच्छी लग रही। सोनू बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। थैंक यू टप्पू, ये बहुत प्यारी कैप है। वाह सोनू, आज तो तेरा गिफ्ट ही हो गया। सोनू सोनू, अरे अरे टप्पू भी यही है। सोनू तेरी ड्रेस तो बहुत सुंदर है। थैंक यू। मैंने दिए टोपी, मैंने दी है। ओह हाँ, ड्रेस मैंने दी है। फ्रेंड्स, मैं तुम्हारे लिए भी गिफ्ट लेकर आया हूँ, देखो दिखाओ। ओहो, तो सबको टोपी पहना रहा है ना, मतलब सबके लिए गिफ्ट में टोपी लाए हो। वाह। चलो चलो, गरबा की प्रैक्टिस नहीं करनी? हाँ हाँ करनी है, लेकिन दादाजी को ना थोड़ा काम है, तो मैं आधे घंटे में आता हूँ। आधे घंटे में मिलते हैं। क्या कर रहे हैं? सॉरी, पूरा फ्लो बिगड़ जाता है यार।
कोई बात नहीं फ्रेंड्स, तुम लोग अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, लेकिन अगर हम लोग सिंग करेंगे ना सब साथ में तो और अच्छा लगेगा और मस्त लगेगा। हाँ ए गोगी, तेरा खुद का टाइमिंग मैच नहीं हो रहा है। सही तो कर रहा हूँ, 1 2 3 4। अच्छा मतलब तेरा बोलने का मतलब ये है कि हम चारों का टाइमिंग गलत है और तेरा अकेले का टाइमिंग सही है ना? ओए तो ऐसे ना करो यार, फ्लो बिगड़ता है। चलो गाइस चलो। अरे तू फ्लो में आने के लिए तेरा टाइमिंग तो भी तो है। शांत हो जाओ पिंकू। गोगी इतना चिल्लाओ मत, हम वापस एक बार करते हैं ना, टाइमिंग मैच हो जाएगी। टप्पू काउंटिंग, 1 2 3 4। क्यों हो गया, रुक क्यों गए? गोगी हम गरबा कर रहे हैं, तू भांगड़ा क्यों कर रहा है? ओए की कह रहा है यार, मैं भी तो गरबा ही कर रहा हूँ। गोगी तू गरबा नहीं कर रहा है, तू ऐसे 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 भांगड़ा कर रहा है। पुत्री कोई ना, अभी गरबा करता हूँ। मतलब तुझे रियलाइज अभी हुआ कि तू भांगड़ा कर रहा है? डिस्कशन खत्म करो ना, हम लोग वापिस गरबा कर लेते हैं। तू म्यूजिक बजा, चल चल स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। वाह वाह टप्पू सेना, ये कौन सा स्टाइल है? इस बार तो तुम लोग नई स्टाइल में गरबा कर रहे हो। यस दादाजी, इस बार हमने ना काफी नए स्टेप्स ट्राई किए। अरे वाह देखना दादाजी, इस बार टप्पू सेना का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। दादाजी आप भी हमारे साथ नई स्टाइल का गरबा कीजिए ना। अरे नहीं नहीं टपुड़ा, मुझे ये सब नहीं जमेगा। क्या दादाजी, टपू सेना के मेंबर हो क्या, ऐसी बात कर रहे हो? दादाजी दादाजी कोशिश तो कीजिए। एक मिनट, गरबा करना है, चलो करता हूँ। सुनो बच्चों सुनो, लेकिन गरबा मैं अपनी स्टाइल में करूंगा। फ्रेंड्स बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हुई है आज, और मुझे भी बहुत भूख लगी। चलो फ्रेंड्स कुछ खाते हैं, वैसे भी महिला मंडल की प्रैक्टिस का टाइम हो गया, चलो चलते हैं। चलो 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 चलो। तो जैसे जैसे स्टेप्स मैं बताऊंगी आप सबको फॉलो कर, ओके? चलिए करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आ गया सबको समझ में? चलिए फिर म्यूजिक के साथ करते हैं। ओके चलिए, ओके तो ये स्टेप सबको समझ आया। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4। सॉरी सॉरी, आप लोग ठीक हो ना? वो इन्होंने बोला ना कि एकदम जोश में गरबा खेलने का, तो मैं जोश में एकदम होश खो बैठी। हळू हळू होश जरा सांभाळून, इतो के रोशन भाभी कोई बात नहीं, दोबारा से करते। होश में पर आराम से। हां कर लो, कोशिश करती हूँ। वेरी गुड गर्ल, सुपर्ब, आप सबने बहुत अच्छी एनर्जी के साथ किया। थैंक यू। आज का मेरा ये गरबा क्लास यही खत्म होता है। आप सबके साथ मुझे बहुत मजा आया, लेकिन लेकिन जितनी हो सके गरबे की उतनी प्रैक्टिस कीजिए। मैं तो कहती हूँ आप किचन में खाना बनाओ ना, तो वो भी गरबा खेलते खेलते बनाओ। और हाँ हाँ, आप सब ना अपने हस्बैंड्स को भी ये सारे स्टेप सिखा दीजिएगा। रोशन भाभी ऑफ कोर्स, अंजलि भाभी, हाँ हाँ बबीता जी, हाँ ओके ओके, माधवी भाभी, हाँ हाँ कोमल भाभी, सही बात है, एक तो मैं ठीक है। ओके ओके अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। अरे कोमल भाभी, कोमल भाभी आप बैठ क्यों गए, चलो प्रैक्टिस करके। हाँ हाँ वो मुझे पानी पीना है। अब मैं क्या कहती हूँ, आप लोग प्रैक्टिस चालू रखो, मैं बैठे बैठे सीख लूंगी। बैठे बैठे कैसे सीखेंगे? अब मैं सीख लूंगी। नहीं यार ऐसा नहीं चलेगा, हाँ पहले पानी पी लो पर आ जाओ फिर। हाँ हाँ चलो अब
तब घर चलते हैं। लेकिन जैसे ही टाइम मिले प्रैक्टिस करते रहना। हाँ अरे आप देखना इस बार महिला मंडल गरबा में एकदम धूम मचा देंगे। जय माता दी। ए हेलो देवी माँ के सभी भक्तों और गरबा प्रेमियों को जय माता दी। गरबा में भक्ति है, गरबा में माँ की आराधना है, गरबा में उमंग है, गरबा में उत्साह है। गरबा रंग बिरंगी साड़ियां चन्या चोली केड़िया जैसे पारंपरिक पहनावे का रूप है। गरबा चूड़ियों की खनक है, गरबा पायल घुंघरू झुमके की खनखनाहट है, गरबा रोशनी है, गरबा सुर है, गरबा ताल है, गरबा उछलते पैरों की नदी है, गरबा हाथों की मुद्रा है, गरबा नृत्य है, गरबा ढोल शहनाई शंख बाग यंत्र की धुन है, गरबा खुशियों का त्योहार है, गरबा समूह है, गरबा रोम रोम में भरी चेतना है, गरबा योग है, गरबा सात्विक है, गरबा श्रद्धा है, गरबा आनंद है, गरबा चेहरे की खुशी है। दोस्तों आप भी खुशी के साथ साथ माँ की भक्ति और गरबा के धुन में लीन होंगे। हम गोकुल धाम वाले भी नवरात्रि के रंग में रंगने वाले हैं, पर गोकुल धाम में खुशी के रंग के साथ साथ टेंशन का रंग भी मिल जाता है। मुझे तो चिंता है कि इस बार नवरात्रि होगी या दानव रूपी मुसीबत आएगी, लेकिन आप चिंता ना करें, गोकुल धाम पर जो भी मुसीबत आएगी आपके चेहरे पर हंसी खुशी और ठाके लाएगी। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए और साथ में मिलके बोले जय माता दी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.